अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको मसाला चिकन बनाना सिखाऊंगी। ये मसाला चिकन की सबसे इजी रेसिपी है, आप सब इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी मसाला चिकन। सबसे पहले हम एक पैन में चिकन लेंगे। इस चिकन को हमने हल्दी के पानी में 2 मिनट के लिए बॉईल किया है। फिर इसमें 1 कप कर्ड यानी दही डालेंगे। फिर इसमें आप जो चाहे मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने जो ऐड किया है वो इस तरह है, मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, 1 तेज़पत्ता, 2 स्टिक्स मैंने ली है सिनेमन की, दालचीनी की, और छोटी इलायची 2 और बड़ी इलायची 1 इसमें डाली। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है, नमक स्वाद अनुसार, और इसमें मैंने डाली है सूखी मेथी का 1 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा ज़रूर। और जो मैंने 2 प्याज फ्राई करके रखे थे मैं उनको भी इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है सो दैट कि वो इसके साथ उसका टेस्ट जो है वो चिकन के साथ बड़ा कमाल का लगता है। जिस ऑयल में हमने जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया है उसी ऑयल के 2-2.5 चम्मच मैं तेल डालूंगी। आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, आप तेल ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं आप उस हिसाब से तेल डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2.5 चम्मच तेल डाले हैं बड़े चम्मच के। अब इसको थोड़ा मिक्स करें और इसको पकने के लिए रख दें। जब आपने इसको मिक्स किया और इसको गैस पर मीडियम हीट पे पकने के लिए रख देना है 5 से लेकर 7 मिनट तक। और आप देख सकते हैं 7 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसको लेकिन आपको साथ साथ चलाते रहना है ताकि जो चिकन है जो मुर्गा है वो चिपक ना जाए तवे के साथ। इस स्टेज पे मैंने इसको चेक करके देखा तो जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक गया है अंदर से, और इसमें जो रॉ स्मेल होती है चिकन में वो भी चली गई थी। चलिए अब क्या करना है कि हमें इस स्टेज पे 1 गिलास पानी ऐड करना है इसमें। आप चाहे तो इसमें जो चिकन स्टॉक है जिस हल्दी पानी में हमने चिकन को 2 मिनट के लिए बॉईल किया था आप वो वाला भी 1 गिलास इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल वाटर 1 गिलास यूज़ किया है इसमें। और इसको फिर ढक्कन बंद करके आपको 2 से लेकर 3 मिनट तक पकने देना है। और ये आपको तब लगेगा कि हमारा चिकन पक गया है जब सरफेस के ऊपर तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे चिकन मसाले में क्या हुआ है कि तेल सरफेस पे दिख रहा है और मेरा चिकन मसाला बहुत मज़े का बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी चैनल को अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के साथ एक बेल आइकन का बटन होता है उसको दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।